आखिरकार पवन और अक्षरा एक साथ एक स्टेज शो पर आ ही गए। हाँ, ये बात और है कि इस स्टेज शो पर ये दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस करने वाले हैं। पहले देखिए इस स्टेज शो का पोस्टर और फिर हम बताते हैं कि ये स्टेज शो होने वाला कहाँ है। ये स्टेज शो कहीं और नहीं, आदर्श गांव सती नगरी अरवल में होने वाला है। जी हाँ, दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर स्थित अरवल में ये स्टेज शो 20 अक्टूबर को होगा, दुर्गा पूजा की समाप्ति के मौके पर। काफी दिनों से पवन और अक्षरा के फैंस चाह रहे थे ये दोनों एक साथ एटलीस्ट किसी फिल्म में या फिर किसी स्टेज शो पर ही आ जाए। जब से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, ये दोनों उसके बाद कभी किसी फिल्म और स्टेज शो पर नजर नहीं आए। लेकिन कुछ सोर्सेस की माने तो इस स्टेज शो पर अक्षरा सिंह का नाम भर यूज किया गया है। स्टेज शो के लिए अक्षरा सिंह आएंगी ही नहीं। जी हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि इस स्टेज शो के लेकर जो क्यूरियोसिटी पैदा की जा रही है वो पवन और अक्षरा के नाम पर ही की जा रही है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अक्षरा सिंह का नाम इस स्टेज शो से ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा, जहां पे पवन सिंह, मनोज तिवारी जैसे कलाकार तो परफॉर्म करेंगे लेकिन अक्षरा सिंह परफॉर्म नहीं करेंगी। वैसे भी अक्षरा सिंह के साथ बीते दिनों ऐसी कई घटना घट चुकी है जब स्टेज शो के लिए उनका नाम तो चयन किया जाता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें उस स्टेज शो से निकाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी चाहे जो कुछ भी हो, इस बात ने तो पवन और अक्षरा के फैंस की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है कि वो दोनों काफी लंबे समय बाद एक साथ एक स्टेज शो पर भले ही साथ नहीं अलग अलग परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन पवन और अक्षरा के फैंस के लिए ये एक हैप्पी मोमेंट है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।